एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान में क्या क्या अलामत हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और चुगताई मेडिकल सेंटर लालक चौक में एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसे आम जुबान में पीला यरकान भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस लिवर यानी जिगर में सोजिश को कहते हैं और अगर हेपेटाइटिस का ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, अगर 6 माह से ज़्यादा है तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं, मगर आज हम एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान के बारे में बात करेंगे। एक्यूट हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज इज़ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। इनमें सबसे कॉमन वजह हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि एक फूड या वाटर कंटेमिनेशन से फैलता है, यानी अगर आपके खाने का और पानी का सोर्स साफ़ नहीं है तो उसके साथ हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी के 3 रूट्स हैं फैलने के, यानी कि ट्रांसमिशन के। सबसे पहला कॉज है ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन, यानी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जिस पे हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्टेड आदमी का खून लगा हो तो उससे भी वो फैल सकता है, यानी कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस इस्तेमाल करने से, रेज़र इस्तेमाल करने से, किसी का नेल कटर या टूथब्रश इस्तेमाल करने से ये फैल सकता है। दूसरा रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी और सी का है फ्रॉम अ मैन टू अ फीमेल और फीमेल टू अ मैन थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि जिंसी ताल्लुकात से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान हेपेटाइटिस सी से बहुत अनकॉमन है, मगर हेपेटाइटिस बी से फिर भी एक्यूट हेपेटाइटिस और पीला यरकान हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस ए और ई हैं। वायरल हेपेटाइटिस के अलावा और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। कुछ दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह होते हैं जिसके इस्तेमाल से जिगर में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पीला यरकान हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब के इस्तेमाल से भी एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है, और एक बीमारी होती है जिसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पीला यरकान हो जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान में क्या क्या अलामत हो सकती हैं? इसमें बहुत वेग सी सिम्टम्स होते हैं, मरीज़ हर वक्त थकावट सी महसूस करता है, फ्लू की तरह सिम्टम्स आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, वेट लॉस यानी वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, छोटी पेशाब का रंग डार्क येलो यानी बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, और स्टूल का कलर भी वाइट हो जाता है। सो ये सिम्टम्स आ सकते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस में। आमतौर पे ये सिम्टम्स खुद ही ठीक हो जाते हैं 2 से 3 हफ्ते बाद। कुछ केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है, उसमें खून जमने की सलाहियत भी कम हो जाती है, मरीज़ बेहोश भी हो जाता है, और सीरियस कंडीशंस में गुर्दे और लिवर भी फेल हो सकता है। लेकिन आमतौर पे 90-95% केसेस एक्यूट हेपेटाइटिस पीला यरकान के खुद बहुत ठीक हो जाते हैं 2 से 3 हफ्ते में, और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इनमें एक्यूट हेपेटाइटिस में हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए? सबसे पहले तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन और आपका लिवर फंक्शन जिसे LFTs कहते हैं वो कराना होता है। इसके अलावा उस एक्यूट हेपेटाइटिस का कॉज देखने के लिए वायरल मार्कर्स का टेस्ट होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और NTHCV यानी बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस ए का और ई का भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें देखते हैं कि जिगर का साइज़ तो नहीं बढ़ गया, जिगर में सोजिश तो नहीं है, कहीं आपके स्प्लीन का साइज़ तो नहीं बढ़ गया। सो ये टेस्ट एक्यूट हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं।
एक्यूट हेपेटाइटिस की क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान की हेपेटाइटिस ए और ई होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक्यूट हेपेटाइटिस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो सारा डिजीज़ प्रोसेस है 2 से 3 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। इस दौरान जो मरीज़ को सिम्टम्स यानी अलामत आ रही हैं तो उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे कि पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर नौजिया उल्टी की कैफियत फील हो रही है तो उल्टी के लिए दवाइयाँ खाई जा सकती हैं, बट कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस ए और ई की मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस ई में भी एक चीज़ का और ख्याल रखना होता है कि अगर हामला खातून को हेपेटाइटिस ई हो जाए तो वो बहुत सीरियस हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ख़ास एहतियात करना है कि उनके रेगुलरली एलएफटीज होते रहें और मरीज़ के सिम्टम्स पर ख़ास नज़र रखी जाए। जैसे ही वो सीरियस हों तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन मौजूद है। छोटे बच्चों को 12 से 18 माह के दरमियान इसको लगाना पड़ता है। इसकी 2 डोजेज़ होती हैं और 1 साल के बाद दूसरी डोज़ भी लगानी होती है। तो अपने बच्चों को भी हेपेटाइटिस ए से वैक्सीनेट कराएं और बल्कि हर एक को हेपेटाइटिस ए से की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन आमतौर पर हेपेटाइटिस बी के साथ भी लगाई जा सकती है। हेपेटाइटिस बी भी कभी कभी एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान करता है। हेपेटाइटिस बी की भी एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 6 माह के बाद भी ठीक ना हो तो फिर हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीवायरल ड्रग्स यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट को देनी पड़ती हैं। बट जनरली एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन मौजूद है। आजकल तमाम बच्चे जो पैदा होते हैं उनको फ़ौरन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए। ये 3 वैक्सीनेशन का कोर्स है। एक वैक्सीन जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त लगती है और दूसरी वैक्सीनेशन 1 माह बाद और तीसरी वैक्सीनेशन 6 मंथ पे लगती है। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं लगी उन सबको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी आम तौर पे एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं करता। बहुत ही रेयर है कि हेपेटाइटिस सी की वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस हो। अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है और उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस से किस तरह बचा जा सकता है, इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अगर हम अपनाएं तो इससे एक्यूट हेपेटाइटिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन यानी साफ़ सुथरा रहना। अपने खाने का सोर्स और आपके पीने वाले पानी का सोर्स साफ़ होना चाहिए। पीने वाले पानी में फ़िल्टर यूज़ करें और अगर फ़िल्टर की ऑप्शन नहीं है तो पानी को उबाल के पिएं। सब्ज़ियाँ और फल इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएँ। और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस ना इस्तेमाल करें। अपना रेज़र टूथब्रश ये चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, ये बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। खून लगवाने से पहले ये देख लें कि वो खून हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन हुआ हुआ है कि नहीं, ताकि आपको खून से इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद है आपको एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में बहुत से सवालों के जवाब मिल गए हों। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स वाले सेक्शन में अपने सवाल और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अगर आप एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।